नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूँ एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज आपके सामने हीनियस क्राइम से रिलेटेड एक सेक्शन ऑन लेके आए हैं पीसी का, अटेम्प्ट टू मर्डर, IPC 307। दोस्तों, कोई अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो दो चीज़ों की उसको जानकारी जरूर होती है, इरादा और जानकारी, इंटेंशन और नॉलेज। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस इरादे और इस नॉलेज और जानकारी के साथ हमला करता है, जिससे उसे पता है कि ऐसा करने से वो मर भी सकता है और वो बच भी सकता है, तो ऐसी स्थिति में IPC की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। कुछ छोटे से एग्जांपल के थ्रू और आपको समझाना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को गोली मारता है और वो गोली शरीर के ऐसे हिस्से पर लगती है कि उसकी जान बच जाती है, तो धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कोई व्यक्ति इस तरह गोली चलाता है कि गोली उसके शरीर को छू के निकल जाती है, तो भी धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है और लड़ाई के दौरान उसको ऐसी चोट लग जाती है कि अस्पताल में एडमिट होने के बाद उसकी जो लाइफ है वो डेंजर जोन में चली जाती है, तो भी IPC की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारना चाहता है बिना उसको इंजर्ड किए हुए, यानी किसी को जहर दे के मारना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी अटेम्प्ट की कोशिश उसने अगर कर ली है और वो बच गया है, तो भी धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। दोस्तों, अगर इसमें सजा की और ट्रायल की बात करें तो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है और अरेस्ट विदाउट वारंट है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है, पुलिस जब चाहे जैसी स्थिति में चाहे गिरफ्तार कर सकती है। और इसमें अगर सजा देखें तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।